2015 में दो लोगों ने लगभग 380 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करते हुए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फोक्स वैगन से सफर किया। उनके लगभग 34 किलोमीटर प्रति लीटर के प्रदर्शन से कार की फ्यूल रेटिंग दुगुनी हो गई और डीजल कार ने सबसे कम ईंधन खर्च करने का रिकॉर्ड बनाया। दोनों अपने आप को हाइपर माइलर्स कहते हैं और ऐसी टेक्निक्स में माहिर हैं जो कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाती है, जैसे पल्स एंड ग्लाइड। पल्स में ड्राइवर धीरे धीरे एक्सीलरेट करता है जब तक वो तय रफ्तार से थोड़ा ऊपर नहीं पहुंचता, फिर धीरे धीरे थ्रॉटल छोड़ते हुए ग्लाइड करता है और तय रफ्तार के नीचे पहुंचते ही फिर रिपीट करता है। ऐसा करने से ईंधन कैसे बचता है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कार को खोल कर देखना होगा कि अंदर क्या चल रहा है। नॉन इलेक्ट्रिक कार्स इंटरनल कम्बस्चन इंजिन्स या ICES पर चलती हैं। अक्सर कार्स को एडवर्टाइज करते हुए 4 से 6 या 8 सिलेंडर इंजन की बात होती है, जो कि कार के खास कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से हर सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है जो ऊपर और नीचे जाता है और क्रैंकशाफ्ट नाम की बार को घुमाते हुए लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है, जिससे पहिए घूमते हैं। इन पिस्टन को घूमने की ऊर्जा उसी कंबस्चन से मिलती है जिससे इंजन चलते हैं। जब पिस्टन नीचे आता है तो सिलेंडर के चेंबर में हवा और फ्यूल स्प्रे किए जाते हैं। फिर जैसे ही पिस्टन ऊपर उठता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड होता है। गैसोलीन इंजन्स में गैस को जलाने के लिए एक स्पार्क किया जाता है। डीजल इंजन्स में अकेले कंप्रेशन से ही मिनी एक्सप्लोजन पैदा होता है। ये कंबस्चन तुरंत टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाता है और पिस्टन को नीचे धकेलता है और ये साइकिल चलता रहता है। गैस पेडल्स चेंबर में छोड़ी जाने वाली एयर और फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। चेंबर में जितना ज्यादा फ्यूल होगा कंबस्चन उतनी ही ज्यादा होगी और क्रैंकशाफ्ट तेजी से घूमेगी। सड़कों पर चलते वक्त ICE कार्स प्रति मिनट हजारों ब्लास्ट्स करती हैं, लेकिन एक्सप्लोजन पावर ड्राइविंग अच्छी नहीं रहती क्योंकि जितनी एनर्जी पैदा होती है हीट से नष्ट हो जाती है। सिर्फ 16 से 25% एनर्जी ही पहियों को आगे बढ़ाने के काम में आती है। ये एक्सप्लोजन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा करते हैं और ICE इंजन्स दुनिया के कुल कार्बन एमिशंस का 15% पैदा करते हैं। पल्स एंड ग्लाइड में दो वजहों से एफिशिएंसी बढ़ती है। पहली, पल्स के दौरान हम जब तेज रफ्तार पकड़ते हैं तो इंजन लगातार कम रफ्तार पर चलने के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंसी दिखाता है, और दूसरी, मॉडर्न कार इंजन्स रफ्तार कम करने पर फ्यूल इंजेक्शन बंद कर देते हैं, मतलब कार ग्लाइड करती है और पहिए कंबस्चन के बजाय इनर्शियल एनर्जी से चलते हैं और इस तरह से फ्यूल की बचत होती है। लेकिन अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन में भी ICE हाइपर माइलर्स फ्यूल एफिशिएंसी के सही चैंपियन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मुकाबला नहीं कर सकते। कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडक्शन मोटर्स पर काम करती हैं, जिसके स्टेटर और रोटर दो खास हिस्से होते हैं। स्टेटर रिंग्स की एक सीरीज है जिसके चारों तरफ कॉपर वायर्स लिपटी होती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग रेट्स पर छोड़ा जाता है तो ये वायर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। ये फील्ड रोटर को इलेक्ट्रिक पहुंचाता है जिससे रोटर घूमता है और पहिए चलने लगते हैं। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक्सीलरेटर दबाया जाता है तो स्टेटर में जा रही वायर्स में करंट की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जिससे रोटर के घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। गैसोलीन के बजाय बैटरी का इस्तेमाल करने पर ईवी द्वारा खर्च की गई एनर्जी का 65 से 69% हिस्सा सीधे पहियों को घुमाने में जाता है। जैसा कि ईवीज एक्सप्लोजन्स नहीं करती, इसलिए उनके अंदर बहुत कम पुर्जों की जरूरत होती है। एक आम ICE व्हीकल में 2000 से ज्यादा घूमने वाले पुर्जे चलने, ठंडा करने और कंबस्चन में मदद करते हैं, जबकि ईवी में लगभग 20 पुर्जे होते हैं। ईवीज हाइपर माइलिंग को पूरी तरह बदल रही हैं, क्योंकि ड्राइवर्स कम से कम किलोवाट आवर्स में दूर तक सफर करना चाहते हैं और आने वाले समय में नतीजे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि ईवी मोटर्स का डिजाइन ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बनाए। जैसे ज्यादातर ईवीज रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करती हैं, जहां फ्रिक्शन में नष्ट होने वाली एनर्जी को कंजर्व किया जाता है। जैसे ही कार आहिस्ता होती है, इलेक्ट्रिक मोटर दूसरा काम करते हुए
गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी से बैटरी रिचार्ज करने लगती है। कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगा रही हैं ताकि वे लंबी दूरी तय कर सकें। ईवीज फ्यूल इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए कार्बन एमिशन जीरो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कार्बन न्यूट्रल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है, मतलब उनका एमिशन प्रोफाइल उतना ही साफ होगा जितना उसे चार्ज करने वाली बिजली का। इसलिए जैसे जैसे ग्लोबल ग्रिड्स रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कम एमिशन के साथ ज्यादा आकर्षक और शानदार विकल्प बन रही हैं। हमारे प्लैनेट का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक, पॉलिसी बनाने वाले और आप जैसे लोग किस तरह के साहसी कदम उठा रहे हैं, ये जानने के लिए और अपनी उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ाने के लिए जाएं ed.ted.com/earthschool पर।